ओम नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मंगलवार एकादशी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, अपने परिवार के प्रति निष्ठावान, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले, आत्मसम्मान और प्रसिद्धि पाने वाले, भाग्यशाली और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा केतु और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन मेष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी मंगल देव हैं। आज के चंद्रमा पर शुक्र की सप्तम दृष्टि कायम रहेगी, जिससे रचनात्मक क्रियाशीलता और अपने कर्तव्य के प्रति संजीदगी बनी रहेगी। विभागीय सहयोग जारी रहेगा, हालांकि अधिकारियों की सकारात्मक दिशा निर्देश में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है और समय समय पर मन में टालू प्रवृत्ति और आलस्य कार्य क्षेत्र में बाधक बन सकते हैं। स्वभाव में उग्रता और हर कार्य के प्रति जल्दबाजी की भावना बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर सावधानी रखनी चाहिए, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। आज का दिन विशेष है, ऋण चुकता करने के लिए आज का दिन अत्यधिक शुभ है, मगर ऋण लेने से बचना चाहिए। यदि ऋण नहीं उतर पा रहा हो तो हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच किसी नए काम की शुरुआत ना करें, आपका कार्य बाधित हो सकता है या तमाम तरीके की दिक्कतें अवरोध के रूप में पैदा हो सकती हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सकारात्मक उत्साह में कमी, आत्मविश्वास में ह्रास, मानसिक व्यग्रता, हर काम करने के प्रति जल्दबाजी और स्वभाव में उग्रता संभावित है। किसी एक विषय पर निर्णय लेने में अस्थिरता महसूस होगी। यदि धैर्य और संयम बनाए रखें तो रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, भावनात्मक लगाव विकसित होगा और ऊर्जावान बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बरकरार रहेगी, नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव विकसित करने में मदद मिलेगी और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे, विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। अपने प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। आज केतु का नक्षत्र होने से हर काम करने के प्रति अनावश्यक जल्दबाजी, व्यग्रता और धन खर्च की स्थिति संभावित है। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी और नई कार्य योजनाओं के लिए आपकी तत्परता और क्रियाशीलता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी और निजी सुख संसाधनों पर खर्च की स्थिति बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और छोटी यात्रा का योग बनता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और उसको आप सरलता से संपन्न भी कर सकते हैं। सफलता हर क्षेत्र में हासिल होगी, जिससे आत्मविश्वास और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रेरणा सकारात्मक रूप से मिलती रहेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, संतान संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति होगी, मगर थोड़ा मानसिक दबाव महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के व्यवसाय संबंधी मामलों में पूरी तरह से सफलता का संकेत मिलता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, कार्यों की अधिकता के साथ ही नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। आपकी कार्य योजनाएं मन मुताबिक ढंग से पूरी होंगी, मगर संबंधित मामलों में भागदौड़ और मानसिक उद्विग्नता की स्थिति भी बनी रहेगी। नौकरी करने वाले कर्मचारियों के सोचे हुए ज़्यादातर कार्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, मगर संतान संबंधी चिंता मन में लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति होगी, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए निजी संबंधों में सुधार और भावनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और काफ़ी दिनों से रुके हुए कार्य भाग्यवश संपन्न होंगे। प्रतियोगी भावना विकसित होगी, मगर आत्मविश्वास और सक्रियता में उतार चढ़ाव संभावित है। हालांकि कार्य योजनाओं में गति आएगी, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है, धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में मौसम संबंधी जटिलताएं संभावित हैं।
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनाए रखने में मशक्कत करनी पड़ेगी। व्यावसायिक मामलों को सुदृढ़ करने में सहयोग मिलेगा, मगर नई कार्य योजनाओं के लिए आपकी सक्रियता मानसिक स्तर पर प्रभावित रहेगी। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में 8वें भाव में बैठे हैं। मन में नकारात्मक विचारों से परहेज करें, सार्थक प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। छोटी यात्राएं संभावित हैं, मगर संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि के जातकों के लिए अच्छे समय का संकेत मिलता है। मानसिक और शारीरिक स्तर की ऊर्जा बनी रहेगी। निजी निवेश और कार्य क्षेत्र में दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक पहल लाभ दिलाएंगे। चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में होने से कुछ कामों में नकारात्मक विचार पहल करेंगे और रुकावट की संभावना भी बनती है, मगर अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में सावधानी बरकरार रखें। कार्य क्षेत्र की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा और सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, कार्य योजनाएं और मानसिक ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आपकी राशि से छठवें चल रहे हैं। नई कार्य योजनाओं के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के प्रभावित होने का संकेत भी मिलता है। हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। व्यावसायिक स्थिरता महसूस होगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। धनु राशि वाले जातक शारीरिक और मानसिक स्तर पर प्रभावित रहेंगे। अनावश्यक व्यग्रता, हर काम करने के प्रति जल्दबाजी और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है। हालांकि अधूरे काम पूरे होंगे, नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी बरकरार रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का संकेत मिलता है। वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। नसों और हड्डी से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित मामले चलते रहेंगे और निजी मामलों के संदर्भ में आर्थिक निवेश की सोच विकसित होगी। हालांकि कार्य योजनाओं में सार्थक प्रयास जारी रहेगा, मगर पारिवारिक सुख संतुष्टि और सुखद भविष्य की चिंता बनी रहेगी। कुछ मामलों में अनावश्यक चिंता, व्यग्रता और जल्दबाजी भी महसूस होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम बढ़ाने वाला होगा, मगर तर्क वितर्क करने की मनोवृत्ति भी बनी रहेगी। मन का अंतर्द्वंद आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग और उनकी प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में होने से मन अज्ञात भय से ग्रस्त रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें और वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए वाणी में व्यग्रता और आर्थिक पक्ष की चिंता स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी। हालांकि हर कामों में दृढ़ विश्वास की भावना जागृत होगी और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेने चाहिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, मगर कार्य क्षेत्र के प्रति पहल और आत्मविश्वास बनाए रखें। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।